सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं वंदित्तु सर्वसिद्धिं ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड नमो सुदकेवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिते। आचार्य कुंदकुंदे विरचित समय सार परमांगम। संवर किस प्रकार होता है इसकी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। संवर के उपाय के रूप में भेद विज्ञान बताया और भेद विज्ञान के साथ में निज की महिमा, जो निज की महिमा के साथ भेद विज्ञान की शक्ति से शुद्धात्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं और समस्त अन्य द्रव्यों से दूर अपने स्वरूप में अचलित हो जाते हैं, निश्चित रूप से उनके समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। यही संवर का प्रकार है, संवर का उपाय है और यही संवर का क्रम है। बात इतनी सी ही है लेकिन उसे ही पुनः पुनः कहना चाहते हैं ताकि हम उस बात पर अमल करें और उसका लाभ हम बराबर उठा सके। किस क्रम से संवर होता है इसमें भी वही बात ली गई है लेकिन भाषा बदल गई है। यहाँ किस हेतुओं से होता था, उन हेतुओं का अभाव होगा, फिर हेतुओं के अभाव होने पर कार्य का भी अभाव होगा, फिर उसके कार्य का भी अभाव होगा, ऐसा करते करते पूर्ण संवर तक लेकर के जाएंगे। पूरा संवर, और पूरे संवर का अर्थ है वैसे अकेले संवर से तो पूर्ण कर्म क्षय नहीं होता, लेकिन यहाँ संवर के द्वारा ही कह रहे कि ऐसा करते करते पूरा कर्म क्षय हो जाएगा। हो सकता है अकेले संवर के आधार से भी, क्यों निर्जरा, यदि अपने आप समय पे आकर के वो तो जा ही रही है ना, और इधर नया आ नहीं रहा है तो जाना ही जाना है। फिर और जो विशेष निर्जरा है वो तो होगी होगी, लेकिन पहले संवर हो और उसके साथ निर्जरा हो तो काम की है। यदि संवर नहीं हो रहा है तो किसी कार्य की नहीं है। इसलिए यहाँ संवर अधिकार में तो कह रहे संवर के माध्यम से ही सारे कर्मों का क्षय हो जाता है, तो यहाँ भी क्रम में मुक्ति तक पहुँचा रहे हैं, संसार निरोहणम तक। तीनों गाथाएँ पढ़ते हैं। पहले ते सिंहे दुभणिधाम अज्जवसाणानि सव्वदरिसीं मिच्छत्तम अन्नानम विरय भावो यजोगोय हे दो अभावेर्नियमा जाय दिनाने स आसव निरोहो आसव भावेन विना जायदि कम्मस वेर्निरोहो कम्मसा भावेन नो कम्माणं पिजायदि निरोहो णोकम्ब निरोहेण संसार निरोहणम होदी। बंध के कारण कहे हैं भाव अध्यवसान ही मिथ्यात्व ज्ञान अविरत भाव एवं योग भी इनके बिना है आश्रवों का रोध सम्यक ज्ञानी के
हर आश्रवों के रोध से ही कर्म का भी रोध है, कर्म के अवरोध से नो कर्म का अवरोध हो, नो कर्म के अवरोध से संसार का अवरोध हो। अब ये 191 मेरे पास 285 पेज है, नया ग्रंथ होगा तो थोड़ा आगे होगा। तेसिम हेदु भणिदा, ये पहले जोड़ रहे हैं, जो आश्रव के कारण है उनके हेतु क्या है। आश्रव ये संवर का विरोधी जो भाव है, जिनके कारण से आश्रव होता है, कि उनके हेतु अज्जवसानानि सर्वदर्शिः भणिदाम, सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान ने अध्यवसान भावों को उनका हेतु कहा है। किनका हेतु? कि जो संसार के कारण है या आश्रव के कारण है, संवर के विरोधी भाव के जो कारण है, उनके हेतु कहें अध्यवसान भावों को किन्ने के सर्वज्ञ भगवान ने। सर्वज्ञ भगवान ने कहा, उनकी बात क्यों मानी जाए? क्योंकि उनके संसार का या आश्रव का अभाव हुआ है, माने उन्होंने स्वयं किया है, इसलिए वो बता रहे हैं मुझे पहले किस कारण से आश्रव होता था। उनके हेतु क्या है? कि अध्यवसान भाव है। कौन कौन से अध्यवसान भाव? मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग। अब इसमें वैसे तो बंद के हेतु के रूप में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग इतने लिए जाते हैं, और इसमें मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग इस रूप में चार लिए हैं। कर्ताकर्म अधिकार में जब भी चर्चा ली तो वो मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति इनको तो ले लिया कि वे टीवी हो येसु ओगो, या जो अनादि से मोह का जो परिणाम है वो तीन प्रकार से परिणमित होता है, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। तो मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति इस तीन रूप में लेते हैं। यदि इसे हम संसार के कारण के रूप में ले तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ऐसा भी कह सकते हैं। मिथ्यात्म मिथ्या दर्शन है, अन्नानम मिथ्या ज्ञान है, और अविरति में मिथ्या चारित्र है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये तीनों कारण हो गए। फिर प्रमाद कषाय कहाँ चले गए? प्रमाद और कषाय के लिए अविरति कह करके जो भाव लिया गया है वो सब उसमें शामिल है, उस अविरति में, क्योंकि मिथ्या चारित्र के रूप में लिया जा रहा है इसलिए वो सब उसके अंतर्गत शामिल हो गए। प्रमाद कषाय भी उसके अंतर्गत शामिल हो गए। तो यदि प्रमाद कषाय उसमें शामिल हो गए हैं तो फिर योग को अलग से क्यों जोड़ दिया इसमें? क्योंकि आश्रव की मुख्यता करनी थी और आश्रव के अभाव की बात करनी है, और आश्रव के लिए हेतु मुख्य रूप से योग लिया जाता है, इसलिए योग को अलग से खड़ा कर दिया, योग को भी इसके साथ साथ में जोड़ दिया है। तो मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग कहने पर इन सब को भी उसके अंतर्गत शामिल समझ लेना। यद्यपि योग को ही आश्रव के रूप में लिया जाता है, योग से आश्रव होता है और कषाय से बंध होता है, इसलिए टोडरमल जी ने भी जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करे ऐसा लिखते हैं। माने योग से आश्रव होगा लेकिन उसके साथ यदि कषाय नहीं होगी, कषाय का अर्थ कषाय नहीं है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय यहाँ तक है, कषायांत है,
तो वहाँ तक के जो भी परिणाम होंगे तो बंद अवश्य होगा, योग से आश्रव होगा, ये परिणाम होंगे तो बंद अवश्य होगा। तो आश्रव की मुख्यता से योग को साथ में जोड़ दिया गया है, ये सभी हेतु है। लेकिन टीका पढ़ेंगे तो टीका में मोहराग द्वेष ये अध्यवसान भाव और इनके हेतु मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योग, उसको भी जोड़ दिया उसके साथ में, तभी वहाँ चर्चा करेंगे अपन। अभी तो इस गाथा में इतना कह रहे हैं आश्रव के कारण अध्यवसान भाव सर्वज्ञ भगवान ने कहे, वे अध्यवसान भाव है मिथ्यात्व अज्ञान अविरति और योग। लेकिन आप तो संवर का क्रम बताने वाले थे ना, हाँ संवर प्रारंभ करना है तो पहले जितने भी संवर भावना वगैरह में चर्चा आई ना कि जो जो मोरी में डांट लगावे, तो वो मोरी से पानी आ रहा है, रोकने का उपाय क्या, कि सबसे पहले पानी आ कहाँ से रहा है ये जानो, अब पानी आ रहा है ये जानो और उसे बंद करो, तो आश्रव वो कहाँ से रहा है ये जानना संवाद संवर की करनी है। तो आश्रव के रोकने को संवर कहते हैं, तो आश्रव किस कारण से हो रहा है ये जानना पड़ेगा। इसलिए 190वीं गाथा में वह आश्रव के हेतु बता दिए, किन कारणों से आश्रव हो रहा है होता है वो हेतु है उसके। तो संवर कैसे होगा, हेतु अभावे नियमा जायदि नानिस आसव निरोहो, हेतु के अभाव में नियम से ज्ञानी के आश्रव का निरोध हो जाता है, ज्ञानी के आश्रव नहीं होता। अब इसमें ज्ञानी के आश्रव नहीं होता हेतु के अभाव में, हेतु कितने कहे गए कि अध्यवसान भाव, लेकिन उनके भी तो विशेष रूप से मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योग इन सबको कहा ना। और यदि इनका थोड़ा विस्तार दिया जाए तो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग ये इस रूप में होते हैं। तो ज्ञानी के क्या सारे हेतुओं का एक साथ अभाव हो जाता है, नहीं होता। तो फिर उसके आश्रव का निरोध कैसे होता है, कि जिस हेतु का अभाव होता है उतना उसके आश्रव का निरोध होता है। इसमें एक क्रम भी है निश्चित रूप से, एक तो पहले नानिस्य शब्द तो दे दिया साथ में, ज्ञानी के होगा, ज्ञानी के होगा अर्थात सम्यक दृष्टि के ही होगा, तो सम्यक दर्शन के बिना तो आश्रव का निरोध होगा ही नहीं। बिना सम्यक दर्शन के यदि व्रतादि अविरति को अभाव करने के लिए व्रतादि ले, कषाय का अभाव करने की कोशिश करे, प्रमाद छोड़ने के लिए महाव्रतादि भी ले ले, लेकिन आश्रव का निरोध नहीं होने वाला, तो ये हेतु का अभाव तो हो रहा है ना, कि नहीं हुआ हेतु का अभाव। नानिस ज्ञानी के तो सबसे पहले मिथ्यात्व वाला जो हेतु है वो जानना चाहिए, उसके बाद फिर और हेतुओं का क्रमशः अभाव होगा तो आश्रव का निरोध होगा। तो जिसके जितने हेतुओं का अभाव हुआ है उस ज्ञानी के उतने आश्रव का निरोध होगा। ज्ञान की पीछे चर्चा जो आ रही थी, अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान से, धारावाही ना बोधन, धारावाही ज्ञान से, तो वो धारावाही ज्ञान आत्मा को आत्मा में रोक कर, आत्मा को आत्मा से आत्मा में रोक करके, तो जब आत्मा को हम आत्मा में ही स्थिर करते जाएंगे तो जितना जितना स्थिर होता जाएगा वो उतना उतना आश्रव से निवृत्त होता जाएगा। कर्ता कर्म अधिकार में जो लिया, जितना जितना विज्ञान घन होता जाता है उतना उतना आश्रव से निवृत्त होता है, फिर आश्रव से जितना जितना निवृत्त होता है उतना उतना विज्ञान घन होता जाता है। इसलिए हेतु के अभाव में जितना हेतु का अभाव होगा उतना ज्ञानी के आश्रव का निरोध होगा। आसव भावेन विना जायदि कम्मस्सवि निरोहो, वो आश्रव हो रहा था तब कर्म बन रहा था, जब आश्रव नहीं हुआ तो फिर कर्म कहाँ से आएगा, तो कर्म का भी निरोध होगा। और कम्मस्सा भावेन नो कम्मानं पि जायदि निरोहो, और जब कर्म का अभाव होगा तो नो कर्म का भी अभाव होगा, कि नौ कर्म आया कहाँ से,
चाहे शरीर वाला नौकर्म हो, चाहे कर्म भोगने के बाहर के कोई साधन वाले नौकर्म हो, वे सारे कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। यदि तत्संबंधी कर्म ही नहीं होगा तो नौकर्म का भी अभाव हो जाएगा। तो कम्मस्साभावेण नौकम्मानं पिजायति निरोहो, नौकम्म निरोहेण संसार निरोहणम् होति। ये बिल्कुल अंत तक पहुंचा दिया। सबसे बड़ा, सबसे नज़दीक का नौ कर्म है शरीर, और नौ कम्म निरोहेण संसार निरोहणम् होति। जब उस नौ कर्म का अभाव होगा तब संसार का अभाव होगा। तो इसका मतलब सकल परमात्मा संयोग केवली अरहंत भगवान के जब तक नौ कर्म है तब तक संसार का पूरा अभाव नहीं हुआ, और जब उनके नौ कर्म का अभाव हुआ तब पूरी तरह से संसार का अभाव हुआ। हमारे भी नौ कर्म का अभाव होता जाता है, पर हमारा मोक्ष क्यों नहीं होता है, संसार का नाश क्यों नहीं होता है? ये नौ कर्म तो छूटता है, लेकिन पुनः नया नौ कर्म मिले उसका कारण जो कर्म है वह हम पहले से बांध के रखते हैं, तो उस कारण से फिर नया नौ कर्म मिल जाता है। यदि नौ कर्म का अभाव करना है पूरी तरह से, माने शरीर का अभाव करना है, तो फिर उस शरीर का हेतु रूप कर्म का अभाव करना पड़ेगा। तो कर्म का अभाव कर देते हैं, कैसे होगा कर्म का अभाव? वो कर्म जिन भावों से आ रहे थे उन भावों का अभाव करना पड़ेगा, और कर्म के भाव ये मिथ्यात्व विरति कषाय योग आदि है, ये आश्रव है कर्म के हेतु। यहाँ आश्रव को कहा, आश्रव है, और आश्रव भाव के हेतु है मिथ्यात्व विरति कषाय योग इत्यादि, उनका अभाव करना पड़ेगा। उनका अभाव करने का उपाय क्या? उनका अभाव करने का उपाय निज महिमा से भेद विज्ञान करना ही उपाय है, उसकी चर्चा इसमें बराबर क्रमशः करते आ रहे हैं। लोक में भी जाएंगे, आपको बहुत खांसी उठ रही है, दमा हो रहा है, और आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके उस लक्षण से, चिन्ह से यदि वो समझ जाए कि आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो क्या करेगा? तो सबसे पहले कहेगा बीड़ी सिगरेट बंद करो। डॉक्टर साहब आप तो दवाई दे दो। ये तो क्या होगा दवाई देने से? दवाई तो खाओगे, थोड़ा आराम सा लगेगा, लेकिन ये कारण तो छोड़ते नहीं हो तुम। तो पहले छोड़ो तो दवाई देंगे, नहीं तो दवाई नहीं देंगे। वो कारण छूटना चाहिए पहले। ऐसे वो आश्रव का हेतु, और उसमें भी सबसे प्रबल हेतु मिथ्यात्व, वो सबसे बड़ा। वो कितने जो आश्रव के द्वार कितने प्रकार के कहे जाते, 53 कहते हैं कि 57, कितने प्रकार का आश्रव होता है? 57, उसमें सबसे पहला कौन सा है? मिथ्यात्व है सबसे पहला, मैंने पहला क्रम में समझ ली मिथ्यात्व है। अब मानो किसी नाव में 57 छेद हो गए हो, तो 57 छेद हुए हो तो सबसे पहला छेद कौन सा बंद करना चाहिए? कि 57 हो रहे तो सभी बंद करनी पड़ेंगे ना, लेकिन वो 57 में वो मिथ्यात्व वाला छेद इतना बड़ा है जिसके कारण से सबसे ज़्यादा पानी आ रहा है और बहुत जल्दी डूबने की संभावना है। तो समझदार तो सबसे पहले ये करेगा कि ये सबसे बड़ा बंद कर दिया जाए, फिर छोटे में से धीरे धीरे आ रहा है उसको तो अपन धीरे धीरे रोक सकेंगे। तो सबसे पहले बड़े वाले को रोकने की, बंद करने की कोशिश करेगा। तो मिथ्यात्व का सबसे बड़ा है, और सारी दुनिया वो मिथ्यात्व वाला तो बड़ा आने दो, वो थोड़ा सा अविरति का, थोड़ा सा कषाय का, इसको बंद करने की कोशिश करते हैं, तो उससे तो बहुत कम आ रहा था, और उसके पीछे भी कारण वो असल में मिथ्यात्व ही था। इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व के दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और उसके बाद होने वाला जो आश्रव, यहाँ तो उन सबको ही कारण के रूप में ले लिया, लेकिन पीछे के अधिकारों में तो आश्रव अधिकार में ही कहा, मिथ्या दृष्टि के आश्रव होता ही नहीं है, सम्यक दृष्टि के, सम्यक दृष्टि ज्ञानी के आश्रव होता ही नहीं है। निर्जरा अधिकार में जाकर ज्ञानी के सदैव निर्जरा होती है,
तो वो सम्यक दर्शन से ही इस बात को बराबर प्रारंभ करते हैं, क्योंकि असली मूल कारण वही है। अंतिम अधिकार मोक्ष अधिकार में मोक्ष के हेतु के रूप में जहां बात की, वहां भी बंद हेतु निर्जराभ्याम, बंद हेतु अभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म मोक्षो मोक्षः, बंद के हेतुओं का अभाव और फिर निर्जरा, इन दोनों से सारे कर्मों का क्षय हो जाता है तब मोक्ष होता है। तो बंद के हेतुओं का अभाव, और नीचे जब केवल ज्ञान की बात की तो उसमें मोह क्षयात, फिर ज्ञान दर्शना वर्णांतरा क्षयाच केवलम, तो सबसे पहले मोह के क्षय की बात करते हैं। उसे मोह में तो मिथ्यात्व अविरति कषाय भी शामिल हो गई मोह के क्षय के अंतर्गत, लेकिन उसमें सबसे पहले मिथ्यात्व की बात मुख्य है। ये बात इससे भी ख्याल में आएगी, गाथार्थ पढ़ते हैं। पूर्व कथित मोह राग द्वेष रूप आश्रव भावों के हेतु मिथ्यात्व अज्ञान अविरत भाव और योग, ये चार अध्यवसान है ऐसा सर्वदर्शी भगवंतों ने कहा है। हेतुओं का अभाव होने से ज्ञानियों के नियम से आश्रव भावों का निरोध होता है, और आश्रव भावों के अभाव से कर्मों का भी निरोध होता है। कर्म के निरोध से नौ कर्म का निरोध होता है, और नौ कर्मों के निरोध से संसार का निरोध होता है। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि मिथ्यात्व अज्ञान अविरत भाव और योग, ये चार अध्यवसान मोह राग द्वेष रूप आश्रव भावों के हेतु हैं। चूंकि ये अध्यवसान ज्ञानियों के होते नहीं, इस कारण ज्ञानियों के रागादि भाव रूप आश्रव भावों का निरोध होता है। रागादि रूप आश्रव भावों के निरोध से कर्म रूप द्रव्याश्रवों का निरोध हो जाता है। जब द्रव्य कर्म और भाव कर्म नहीं होते तो फिर शरीर आदि नौ कर्म कैसे रह सकते हैं? जब शरीर आदि का संयोग ही नहीं रहा तो संसार का भी अभाव हो जाता है। आश्रवों के निरोध का यही क्रम है, आश्रवों का निरोध ही संवर है। इस प्रकार संवर संसार के अभाव का कारण है, मोक्ष का कारण है। इस प्रकार यहाँ पूरा घटित किया गया। लेकिन इसमें एक बात और स्पष्ट हो रही है, ज्ञानियों के जो कह करके, इस प्रकार ज्ञानियों के रागादि भाव रूप आश्रव भावों का निरोध होता है। ज्ञानियों के कह करके माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी के, माने यदि अकेले मिथ्यात्व भी चला गया है, मिथ्यात्व के साथ अज्ञान गया है, तो कहते वो मिथ्यात्व वाले जो रागादि भाव है उनका अभाव हुआ, तो उस संबंधी द्रव्य कर्म का भी अभाव हो गया, भाव कर्म का भी अभाव हो गया, और ऐसे क्रमशः करते करते सारे द्रव्याश्रवों का अभाव होता जाएगा। तो ज्ञानियों के रागादि भाव रूप आश्रव भावों का निरोध होता है। तो यहाँ ज्ञानी माने कौन लेना कि वहाँ चौथे गुणस्थान से, इसलिए जितना जितना अभाव होता जाएगा उतने उतने द्रव्य कर्मों का क्रमशः अभाव होता जाएगा। और इसी क्रम को अमृतचंद्र आचार्य भी टीका में उसी क्रम से लेते हैं। प्रथम तो इस जीव के विद्यमान आत्मा और कर्म के एकत्व मूलक मिथ्यात्व अज्ञान अविरति और योग ही मोह राग द्वेष रूप आश्रव भाव के कारण है। यद्यपि इन तीनों को कारण, चारों को कारण तो कह रहे हैं, मिथ्यात्व अज्ञान अविरति और योग, लेकिन कौन से? सम्यक दर्शन होने के बाद कदाचित अज्ञान अविरति आदि रहेंगे, लेकिन उसकी बात मुख्यता से नहीं कर रहे हैं कि जिस आत्मा कर्म के एकत्व मूलक, आत्मा और कर्म के एकत्व का जो अज्ञान मिथ्यात्व है, एकत्व मूलक मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योग, ये यदि वो मिथ्यात्व सहित है, एकत्व बुद्धि सहित है, विपरीत मान्यता के साथ में है, तो मोहराग द्वेष रूप आश्रव भावों का कारण बनेगा। भावाश्रव तो मोहराग द्वेष भाव ही है, उसके कारण से द्रव्याश्रव हो रहा है, लेकिन उन मोहराग द्वेष भावों का कारण कौन है कि मिथ्यात्व अज्ञान अविरति और योग, और वो कौन सा कि जो आत्मा और
कर्म, कर्म माने बाय सारे पदार्थों को एक में एक समझता है, देहादि को आत्मा को एक मानता है, तो सीधा भेद विज्ञान के विरुद्ध अभेद बना। परमे एकत्व बुद्धि वाला जो परिणाम, वह उसके साथ वाला मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योग। तो जो विपरीत मिथ्या बुद्धि सहित योग भी होगा, वो भी फिर आश्रव के लिए कारण बनेगा। और जब ये निकल गया, ऐसा मिथ्यात्व निकल गया, अध्यवसान ये निकल गया, उसके बाद भी कदाचित अविरति रहे, प्रमाद कषाय भी कदाचित रहे, लेकिन वो वैसे आश्रव के लिए कारण नहीं बनेगा, बल्कि वह जैसे जिस पेड़ की जड़ कट गई हो तो उस पेड़ के पत्ते हरे भरे दिख रहे हो तो भी वह सूखने की तरफ है, ऐसे वह अज्ञान अविरति योग भी धीरे धीरे वो जो आश्रव के हेतु बन रहे थे उनके हेतु बना धीरे धीरे कम होते ही जाने वाला है, घटने ही वाला है। इसलिए वो इस जीव के विद्यमान आत्मा कर्म के एकत्व मूलक मिथ्यात्व अज्ञान अविरति और योग, ये मोह राग द्वेष और आश्रव भाव के कारण है। आश्रव भाव कर्म का कारण है, कर्म नो कर्म का कारण है, नो कर्म संसार का कारण है। और वैसे हमेशा ये पूरी समझ लीजिए हेतु की पंक्ति समझ लीजिए क्रम, पूरा क्रम तो ये है, लेकिन अपन तो सीधा कहते हैं संसार का कारण मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व के कारण से ये सभी जन्म मरण करना संसार, संसार में जन्म मरण करते हुए परिभ्रमण करना संसार, नया नया देह धारण करना उसका नाम संसार। अब नई देह धारण क्यों कर रहा है, जैसा आयु कर्म बंधेगा जैसे संयोग हो गए वैसे शरीर धारण करने पड़ेंगे, इसका मतलब उसका कारण कर्म है। कर्म का कारण कौन है, मोहराग द्वेष भाव है। मोहराग द्वेष भाव क्यों हो रहे हैं, वह मिथ्यात्व दोनों का एकत्व मूलक जो भाव है वो उसका मूल कारण बन रहा है। तो इन सब को गौण करते हुए सीधा कह दिया जाता है यह जीव मिथ्यात्व के कारण संसार में परिभ्रमण कर रहा है, अज्ञान के कारण संसार में परिभ्रमण कर रहा है। गुमटसार में तो देह के साथ ही कह दिया, जब तक ये जीव देह सहित है तब तक कर्म नो कर्म सबको ग्रहण करेगा। तो सारे कर्मों से रहित तो होना है, कर्म ग्रहण ही नहीं करना है तो शरीर से रहित होना पड़ेगा। तो शरीर से रहित कैसे हो, तो शरीर का जो कारण है वो समाप्त हो तो शरीर से रहित होगा। तो शरीर का कारण कर्म है, आयु कर्म ही वो भले ही नो कर्म नाम कर्म हो वो पूरी तरह जाना चाहिए, तो वो कैसे जाए, तो उसके जाने का उपाय क्या, वो बंद रहा था मोह राग द्वेष भावों से। इसलिए मोह जड़ मूल से चला जाए तो फिर ये कर्म जाएंगे, अन्यथा ये नहीं जाने वाले। इसलिए मोह को जड़ मूल से उखाड़ना यही वास्तव में इसका मूल कारण है। इस कारण यह आत्मा सदा ही आत्मा और कर्म के एकत्व के अध्यास से आत्मा को मिथ्यात्व अज्ञान अविरति और योगमय मानता है, अर्थात मिथ्यात्वादी अध्यवसान करता है। इसलिए मोह राग द्वेष रूप आश्रव भाव को भाता है, उससे कर्माश्रव होता है। ये भले ही अज्ञान अविरति योग सबको ले लिया है, लेकिन वो मिथ्याविरति प्रमाद कषाय योग का बंध हेतु वाला क्रम नहीं लेना चाहते हैं। मिथ्या तो चला गया, फिर अज्ञान अविरति अविरति प्रमाद कषाय योग शेष रह गए, ऐसा नहीं लेना चाहते। मिथ्यात्व के साथ जब तक ये सभी है तो निश्चित रूप से कर्म का आश्रव होता ही रहेगा, मिथ्यात्व सहित है तब तक। अज्ञान अविरति योग मैं मानता है, अर्थात मिथ्यात्वादी अध्यवसान करता है, इसलिए मोह राग द्वेष रूप आश्रव भाव को भाता है, उससे कर्माश्रव होता है, कर्माश्रव से नो कर्म होता है, नो कर्म से संसार उत्पन्न होता है। अब छूटने की तरफ की बात करते हैं। किंतु जब यह आत्मा आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान से शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को उपलब्ध करता है, आत्मा का अनुभव करता है,
अब यहाँ एक और बात ख्याल में आती है कि कर्म कह करके किस किस को ले लिया, ये तीनों कर्मों को ले लिया उसमें, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, उन सबको ही शामिल कर लिया, आत्मा और कर्म के एकत्व मूलक, तो उधर वो तीनों ही है, शरीर रूप नो कर्म भी है, जड़ कर्म भी है और मोह राग द्वेष रूप भाव कर्म भी है, वो उन सबको एक में एक मानता है। और अब क्या हो गया कि भेद विज्ञान से इन दोनों से भिन्न शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को उपलब्ध करता है, आत्मा का अनुभव करता है, तब न मिथ्यात्व रहेगा, न अज्ञान रहेगी, न अविरति रहेगा, योग नहीं रहेगा। कैसे योग कैसे नहीं रहेगा, आत्म प्रदेश में चंचलता तो चलती रहेगी, लेकिन मन वचन काय जनित वह मेरा है ऐसा जो भाव हो रहा था वो नहीं रहेगा। भेद विज्ञान के कारण से मैं कौन, अहम कहाँ स्थापित होगा कि शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा में, इसलिए उसे इन सबका अभाव कह रहे हैं। आत्मा का अनुभव करता है तब आश्रव भाव के कारणभूत मिथ्यात्व अज्ञान अविरति और योग स्वरूप अध्यवसान का अभाव होता है। माने योग को भी उसके साथ जोड़ रहे हैं, इसका भी अभाव हो जाता है, जबकि इसका अभाव होगा 14वें गुणस्थान में जाकर के, 13वें के अंत में और 14वें में जाकर के अभाव होगा, लेकिन यहाँ उसमें अहम बुद्धि निकल गई है, उस दृष्टि से यहीं उसके अध्यवसान पने के अभाव की बात करते हैं। अध्यवसान के अभाव होने पर मोह राग द्वेष रूप आश्रव भावों का अभाव होता है, आश्रव भावों का अभाव होने पर कर्म का अभाव होता है, कर्म का अभाव होने पर नो कर्म का अभाव होता है और नो कर्म का अभाव होने पर संसार का अभाव होता है। इस प्रकार यह संवर का क्रम है। मूल गाथाओं और उनकी इस टीका में मात्र इतना ही अंतर है कि गाथाओं में तो अकेले आश्रव के निरोध का ही क्रम बताया था, पर टीका में आश्रव का भी क्रम बता दिया गया है, मैंने आश्रव किस क्रम से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, तो उसके मूल में अभेद ज्ञान मिथ्यात्व को मूल में लिया और उसके कारण से कर्म का आश्रव, कर्म से नो कर्म का आश्रव और नो कर्म के आश्रव के कारण संसार की उत्पत्ति क्रम से चल रही है, और फिर भेद विज्ञान के बल से जब भिन्न भिन्न जानेंगे तो इसके विपरीत क्रम इसका बराबर चालू होगा। यद्यपि आचार्य जैसेन भी तात्पर्य वृत्ति में आत्मख्याति का ही अनुसरण करते हैं, तथापि उन्होंने कुछ नया प्रमेय भी प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है। अध्यवसान तो भाव कर्म रूप होते हैं, वे तो जीवगत ही होते हैं, उन्हें आप यहाँ उदय प्राप्त पुद्गल द्रव्य प्रत्ययगत क्यों बता रहे हैं। ये बात उनकी टीका में आया होगा, क्योंकि यहाँ इस तरह का कोई प्रकरण तो नहीं आया, लेकिन अध्यवसान भाव कर्म है कि द्रव्य कर्म के परिणाम है, इसके लिए ले रहे हैं। उदय प्राप्त पुद्गल द्रव्य प्रत्ययगत, तो जैसे आचार्य ने अपनी टीका में उनको पुद्गल द्रव्य प्रत्ययगत कहा होगा, तो उसमें से पूछ रहे हैं अध्यवसान भाव कर्म जीव भावगत है या द्रव्य प्रत्यय पुद्गल के द्रव्य प्रत्यय वाले हैं, कैसे हैं। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाव कर्म दो प्रकार के होते हैं, जीवगत भाव कर्म और पुद्गल कर्मगत भाव कर्म, दो प्रकार का भाव कर्म। लेकिन अपन जब भी चर्चा करते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तब भाव कर्म के रूप में जीवगत भाव कर्म की ही चर्चा करते हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ पुद्गल द्रव्यगत प्रत्यय बता रहे हो आप उसे, तो ऐसा कहा जाए तो समझ लेना चाहिए कि पुद्गल द्रव्यगत भी भाव कर्म हो सकता है। ये कैसे वो भाव कर्म होता है, भाव क्रोधादि जीव रूप को जीव भावगत भाव कर्म कहते हैं और पुद्गल पिंड शक्ति रूप को पुद्गल द्रव्यगत भाव कर्म कहते हैं। जो आत्मा में क्रोधादि भावों की उत्पत्ति हो रही है वह तो जीव भावगत भाव कर्म है, और पुद्गल पिंड शक्ति रूप, या ये कहा जाए जो द्रव्य कर्म बंधा, उस द्रव्य कर्म में भी
प्रकृति प्रदेश बंद हुआ, प्रकृति बंद हुआ और फिर स्थिति और अनुभाग भी हुआ। तो अनुभाग जो पड़ा है ना उसमें, तो उस अनुभाग में किस प्रकार के फल देने की सामर्थ्य पड़ी हुई है, तो उस पुद्गल द्रव्य पिंड उसमें जो शक्ति पड़ी हुई है उस शक्ति को पुद्गल द्रव्यगत भाव कर्म कहते हैं। तो उसमें वो शक्ति पड़ी, जीव को विकार रूप परिणमित कराने में निमित्त बन सके ऐसी जो शक्ति उसमें पड़ी हुई है वो उसका भाव कर्म है। आगे दृष्टांत भी दिया है, पुग्गल पिंडो दव्वम कोहादि भाव दव्वत्तम तु, इसे जीव भावगत कहते हैं, और पुग्गल पिंडो दव्वम तत्सत्ति भाव कम्बम तु, इसे पुद्गल द्रव्यगत कहते हैं। माने पुद्गल पिंड द्रव्य क्रोधादि और उसके उदय से जो भाव हो रहे हैं वो जीव भावगत, और पुद्गल पिंडो दव्वम तत्सत्ति, पुद्गल पिंड रूप जो द्रव्य और उसमें जो शक्ति है वो भाव कर्म कहलाएगी। उदाहरण क्या दे रहे देखिए, उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है मधुर या कड़वे को खाते समय उसके मधुर या कड़वे साथ को चखने रूप जो जीव का विकल्प होता है उसे जीव भावगत कहते हैं। अब कड़वे को चखा तो ये कड़वा, ऐसा जो जीव को विकल्प आया तो ये कड़वा कौन सा कड़वा है, कड़वापना मुंह कड़वा हो गया, ये जो क्या मुंह मीठा हो गया, तो मुंह मीठा हो गया मुंह कड़वा हो गया क्या हुआ कि सिर्फ हमें उसके मीठे या कड़वे पने का ज्ञान हुआ। तो ये जो हमें ये मीठा ये कड़वा ऐसा जो विकल्प चला इसे तो कह रहे हैं जीव भावगत, ये स्वाद जो जीव को आया ये जीव भावगत, और उसकी अभिव्यक्ति के कारणभूत मधुर या कड़वे पदार्थ में रहने वाली शक्ति के अंश विशेष, वो कितना मीठा है ये कितना कड़वा है, तो ये तो बहुत कड़वा है, तो वो कड़वा क्यों लगा कि उसमें मीठेपने का या कड़वेपने का ज्ञान करा सके ऐसी शक्ति उसमें है, तो उसकी जो शक्ति है वह कहलाएगी पुद्गल द्रव्यगत। ऐसे ही भाव कर्म वहाँ पुद्गल में भी है और जीव में भी है, इसलिए पुद्गलगत जो भाव कर्म है उसको पुद्गलगत समझना और जीव में जो विकार हो जाए तब जीव को समझ लेना। इस प्रकार भाव कर्म का स्वरूप जीवगत और पुद्गलगत दो प्रकार का है, ऐसा भाव कर्म के व्याख्यान के समय सर्वत्र समझना चाहिए। एक बीच में विशेष प्रकरण था इसलिए जैसे आचार्य ने ये बात वहाँ लिखी हुई है, और ये अधिकार का बिल्कुल अंतिम है, इसके बाद भेद विज्ञान के ही पूरे कलश, भेद विज्ञान की भावना वाले वे सभी कलश इसमें कहे गए हैं। अब भेद विज्ञान की महिमा का निरूपक संवर अधिकार समाप्त हो रहा है, अतः अब भेद विज्ञान की भावना भानी की प्रेरणा देने के लिए आचार्य अमृतचंद्र तीन कलश काव्य लिखते हैं, और उसके बाद अधिकार की समाप्ति पर जिस प्रकार प्रत्येक अधिकार के आदि व अंत में ज्ञान ज्योति का स्मरण करते आ रहे हैं उसी प्रकार इस अधिकार के अंत में भी ज्ञान ज्योति का स्मरण करेंगे, इस प्रकार से अधिकार पूरा होगा। ये जो अंतिम कलश है इनका पद्यानुवाद पढ़ करके चर्चा अपन पूरी करते हैं। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता, इसीलिए तो सच्चे दिल से नित प्रति करना, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, ही थिर ना हो जाय अधिक क्या कहे जिनेश्वर, अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की, और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं, भेद
विविध ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो। शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, राग नाश से कर्म नाश और कर्म नाश से ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो कर शाश्वत हो जावे। इस प्रकार भेद ज्ञान से प्रारंभ हुआ संवर का क्रम ज्ञान ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जाए, यहाँ जाकर के पूर्णता को प्राप्त होता है। ऐसा ही आप सबके जीवन में होवे इसी मंगल भावना से। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी।